अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? तो लेक्चर जो है हम अपना स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? ओके। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 25 है, और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट फ्यूम्स। इसको कहते हैं मेटरिंग फ्यूम्स, या सिंपली इसको फ्यूम्स भी कहते हैं। So what are fumes? Yeah, metering fumes. A meter is a structure constructed in a canal for measuring its discharge accuracy. Metering fumes, yeah, simply जो fumes है ये जो है हम construct करते हैं canal के ऊपर in order to measure the discharge accuracy. A metering fume is an artificially fumed narrow section of the channel which can be utilized for regulating the discharge in the channel. Metering fume, yeah, simply जो fume है एक आर्टिफिशियली फ्यूम यानी कि नैरो सेक्शन होता है चैनल में, जिसके थ्रू हम जो है डिस्चार्ज जो है कैलकुलेट कर, जिसको हम यूटिलाइज करके डिस्चार्ज जो है कैलकुलेट करते हैं। द नॉर्मल अपस्ट्रीम सेक्शन ऑफ अ चैनल इज नैरोड बाय मेसनरी वॉल्स विद अ सप्लाई ऑफ 1:1 और 2:1 टू अ रेक्टेंगुलर सेक्शन कॉल्ड थ्रोट। जो हमारे पास जो नॉर्मल अपस्ट्रीम साइड सेक्शन होता है उसको और चैनल को, उसको हम जो है नैरो करते हैं by ratio of 1:1 या 2:1, हम उसको जो है नैरो करते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन में, जो और उस रेक्टेंगुलर सेक्शन को हम कहते हैं थ्रोट। आगे जो है आपको क्लियर हो जाए फिगर में मैं दिखाता हूँ कि थ्रोट कहाँ पे होता है। फ्रॉम वेयर द चैनल इज स्लोली डाइवर्स सो एज टू अटेन इट्स नॉर्मल सेक्शन बाय मींस ऑफ मेसनरी विंग्स द सप्लाई ऑफ 1:10:1 उसके बाद इसको जो है डाइवर्स किया, डाइवर्स नहीं कि उसको बोला है, और जब उसको जो रे स्लाइम जो स्लोप देते हैं वो 2:1 टू 2:10:1 के दरमियान जो है इसको प्रोवाइड करते हैं। ये आपके पास जो है फ्यूम है, ये आपके पास देखें कि ये आपके पास जो है नॉर्मल कैनाल है, ठीक है, या चैनल है। ये आपने सप्लाई जो है प्रोवाइड किया है, और ये सप्लाई जो है इस साइड पे अपस्ट्रीम साइड पे जो है 1:1 के हिसाब से जो है प्रोवाइड किया है। एक सेक्शन है जिसको थ्रोट कहते हैं। आगे जो है ये दोबारा जो है हुए हैं, और इस साइड पे जो आप सप्लाई प्रोवाइड करते हैं यानी कि लो प्रोवाइड करते हैं, ये जो है 1:1 से लेकर 10:1 तक जो है प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ मीटरिंग फ्यूम्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीटरिंग फ्यूम्स व्हिच आर जनरली यूज्ड एंड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेंचुरी मीटर। दे आर नॉर्मली जो है टू टाइप्स ऑफ फ्यूम्स हैं जो कि हम यूज करते हैं, और ये जो है वर्क करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू जो है हम डिस्चार्ज जो है मेजर करते हैं इन अ चैनल या इन अ पाइप। जो टू टाइप्स ऑफ मीटरिंग फ्यूम्स हैं वो है, नंबर ए है नॉन मॉड्यूलर वेंचुरी फ्यूम और ड्राउंड वेंचुरी फ्यूम, जनरली कॉल्ड एज वेंचुरी फ्यूम, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट टाइप है। जो सेकंड टाइप है उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव फ्यूम या मॉड्यूलर वेंचुरी फ्यूम और फ्री फ्लो वेंचुरी फ्यूम। ये टू टाइप्स ऑफ वेंचुरी फ्यूम है, सॉरी टू टाइप्स ऑफ फ्यूम्स है या मीटरिंग फ्यूम्स है जिसके थ्रू हम डिस्चार्ज को जो है मेजर करते हैं अक्रॉस द चैनल। वेंचुरी फ्लूम क्या है?
वेंट्रल फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ अ ग्रेजुअली कॉन्ट्रैक्टिंग चैनल लीडिंग टू थ्रोट, ठीक है। वेंट्रल फ्लूइड जो है वो ग्रेजुअली कॉन्ट्रैक्टिंग जो चैनल है उसको ग्रेजुअली कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और वो जो कि लीड करता है अप टू द थ्रोट, यानी कि ये आपके पास नॉर्मल चैनल है, इसको जो है हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये जो पोर्शन है इसको हम लीड करते हैं अप टू थ्रोट तक, एंड ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग चैनल लीडिंग अवे फ्रॉम इट, और बाद में जो है उसको जो है ओपन करते हैं, यानी कि थ्रोट की कंस्ट्रक्शन के बाद उसको हम जो है ओपन करते हैं। स्टिलिंग वेल्स आर प्रोवाइडेड फॉर मेजरिंग हेड एट द इंस्ट्रूमेंट एंड एट द थ्रोट एज शोन इन फिगर, जो है स्टिलिंग वेल्स, ये जो है आपके पास स्टिलिंग वेल है, ये जो है एंट्रेंस के ऊपर, ठीक है, और थ्रोट के ऊपर जो है ये दो स्टिलिंग वेल जो है प्रोवाइड किए जाते हैं इन ऑर्डर टू मेजर द हेड ऑफ वाटर, ठीक है, इन दो पॉइंट्स के ऊपर। इफ एच इज द डिफरेंस ऑफ हेड बिटवीन द टू वेल देन द डिस्चार्ज इज गिवन बाय क्यू इज इक्वल टू सी डी इनटू ए1 डिवाइड बाय ए1 ए2 डिवाइड बाय अंडर द रूट ए1 स्क्वायर माइनस ए2 स्क्वायर अंडर द रूट 2 जी एच, यानी कि अगर एच आपके पास जो है डिफरेंस ऑफ हेड है बिटवीन द टू वेल्स, यानी कि जो आपके पास ये जो दो वेल्स हैं स्टीयरिंग वेल्स हैं इनके दरमियान जो डिफरेंस ऑफ हेड्स है वो उसको हमने अगर एच से डिनोट करते हैं तो डिस्चार्ज जो है फिर वो हम इस फॉर्मूले से जो है फाइंड करते हैं जो कि है क्यू इज इक्वल टू सी डी ए1 ए2 डिवाइड बाय अंडर द रूट ए1 स्क्वायर माइनस ए2 स्क्वायर इनटू अंडर द रूट 2 जी एच। इसमें जो सी डी है वो है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंट्रल फ्लूइड और ये वेरी करता है 0.9521। ए1 जो है वो आपके पास जो है एरिया ऑफ द एंट्रेंस है जो कि बराबर है बी1 इनटू वाई1, ठीक है, आपके पास ये जो है एरिया इस सेक्शन का, ये इसका विड्थ है और ये इसकी हाइट है, तो ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो है एरिया ऑफ द एरिया इस सेक्शन का आपके पास आ जाएगा पहले सेक्शन का, ठीक है, ए1 का एरिया आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली A2 is equal to area of at the throat which is equal to B2 into Y2, और जो A2 है वो area at the throat है और area of the throat जो है आपके पास बराबर है simply B2 यानी के जो width है आपके पास throat के और उसकी जो height है, ठीक है, तो इन दोनों को जब आप multiply करते हो तो आपके पास जो है A2 की value आ जाएगी, तो simply आपके पास जो है आप ये values उठा के इस equation में put कर लें तो आपके पास जो है टू डिस्चार्ज इन द चैनल की वैल्यू आपके पास जो है आ जाएगी। सो इस तरह जो है हम वेंट्रल फ्लूइड के थ्रू जो है डिस्चार्ज जो है मेजर करते हैं अक्रॉस द चैनल। नेक्स्ट जो टाइप है वो है स्टैंडिंग वेव फ्लूइड। व्हेन अ स्टैंडिंग वेव फॉर्म्स ऑन द डाउनस्ट्रीम ग्लेशियर्स इन द डाइवर्जिंग चैनल द फ्लूइड इज कॉल्ड अ स्टैंडिंग वेव फ्लूइड, ठीक है। जब भी हम जो है स्टैंडिंग वेव फॉर्म करते हैं डाउनस्ट्रीम ग्लेशियर्स के ऊपर, ठीक है, या डाइवर्जिंग चैनल में, तो उस पॉइंट के ऊपर आपके पास जो फ्लूम है उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव फ्लूम। सारा फिगर में आपको जो है नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो है ये आपके पास जो है डाइवर्जिंग डाउनस्ट्रीम साइड ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स ये जो स्लोप है आपके पास ये ग्लेशियर्स है, यहाँ पर जो जंप जो है क्रिएट हो रहा है, जंप हाइड्रोलिक जंप जो है यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। हाइड्रोलिक जंप क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आपके पास जो वेलोसिटी है वो हाई वेलोसिटी जोन से जो वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड है वो चेंज हो रही है, हाई वेलोसिटी जोन से लिक्विड जो है चेंज मूव हो रहा है लो वेलोसिटी जोन में, तो इज रिजल्ट आपके पास यहाँ पर हाइड्रोलिक जंप जो है वो क्रिएट हो रहा है, तो ऐसे टाइप ऑफ फ्लूम को हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव फ्लूम। It is superior to venturi flume because its discharge depend only on the upstream head over the crest of the throat. ये जो है superior है ये type of flume venturi flume से, क्योंकि ये इसका जो discharge है वो only depend करता है upstream side के ऊपर, आपके पास जो head है throat at the crest of the throat उसके ऊपर जो है depend करता है, and also for the same upstream head. Its discharging capacity is more than that of a venturi flume. और इसकी जो discharging capacity है वो भी ज़्यादा है venturi flume से, तो इसलिए जो है ये जो है superior है आपके पास venturi flume से। The length of its throat is at least 2 to 3 times the head over the crest. इसकी जो length है throat की वो 2 to 3 times जो है ज़्यादा 2 to 3 times of the head है over the crest, यानी कि आपके पास जो crest के ऊपर जो head है ये आपके पास जो है क्रस्ट है इसके ऊपर ये जो हेड है, तो इसके जो थ्रोट की लेंथ है वो इस हेड के 2 to 3 times होगी। डिस्चार्ज फॉर्मूला फॉर सच अ फ्लूम इज गिवन बाय
q is equal to 1.7 cdb into h by 2. और स्टैंडिंग वेव फ्लूम के थ्रू जब आप डिस्चार्ज मेजर करते हैं उसके लिए आपने जो है ये फॉर्मूला यूज करें जो कि q is equal to 1.7 cd. cd जो है आपके पास जो है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, अगेन ये वेरी करता है 0.5 से 1 तक. b जो है विड्थ ऑफ द थ्रोट है और h जो है आपके पास जो है हेड है क्रस्ट के ऊपर. ठीक है, तो आपने जो है हेड यहाँ से फाइंड करना है. ये आपके पास जो है हेड की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करोगे एच की वैल्यू. ठीक है, यहाँ से और बी जो है आपके पास विड्थ ऑफ दी थ्रोट है. ठीक है, थ्रोट की जितनी विड्थ है वो आपके पास बी के बराबर है. ठीक है, और सी डी कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है. ठीक है, वैल्यूज आप पुट करेंगे आपके पास जो है टोटल डिस्चार्ज आ जाएगा बाई यूजिंग दी स्टैंडिंग वेव फ्लूम. और यहाँ तक आपका जो लेक्चर नंबर 25 है वो भी कंप्लीट हो गया, साथ ही साथ आपका जो कोर्स वर्क है वो भी यहाँ तक जो है आपका कंप्लीट हो गया है. इंशाल्लाह आप जब आएंगे तो बाकी जो है हम उसको कोर्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक में. ठीक है, कोई और क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक अगर आप पूछना चाहते तो काइंडली पूछे ताकि मैं आंसर कर सकूँ. आज के लेक्चर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो आज के लेक्चर में फ्ल्यूम्स में किसी का कोई क्वेश्चन है या मीटरिंग फ्ल्यूम्स में तो पूछे. अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आपका जो लेक्चर है तो वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. कहीं नहीं आप लोग मीटिंग लीव कर रहे ताकि मैं मीटिंग को सेव कर सकूँ.